हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ये सेंटर पीस बनाना। ये देखिए, ये मैंने एस शेप का ये सेंटर पीस बनाया हुआ है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। फ्रेंड्स, ये सेंटर पीस के लिए मैंने बनाया है। आप इसका इस्तेमाल डाइनिंग टेबल पे भी कर सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसे मैंने दो कलर में बनाया है, रेड कलर और वाइट कलर में। और यहाँ मैंने ये दो फूल बना के स्टिच कर लिया है, जिससे ये और भी सुंदर लग रहा है। आप किसी भी दो कलर में या अपनी पसंद के कलर में इसे बना सकते हैं। और ये देखिए, ये बनाना बहुत ही आसान है। इसमें मैंने सिर्फ ये डबल क्रोशिया और चैन का इस्तेमाल करके इसको बनाया है और ये बहुत ही इजीली बन जाएगा। मैं वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप इसे कैसे बना पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही यूनिक डिज़ाइन आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सेंटर पीस बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैं ये दो कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, वाइट कलर और रेड कलर। आप अपनी पसंद से कोई भी कलर ले सकते हैं। ऊन हमारा 3 प्लाई है फ्रेंड्स, आप किसी भी ऊन से इसे बना सकते हैं। और मैं वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप इसे कैसे इजी तरीके से ये वाला सेंटर पीस बना पाएंगे। पहले हम वाइट कलर का ऊन लेंगे और इस तरीके से उंगलियों में लपेट के एक मैजिक नॉट तैयार कर लेंगे। इस तरीके से ये इस तरफ खींच लेंगे और ये देखिए, ये हमारी रिंग बन गई। अब इस रिंग के अंदर हमें 14 डबल क्रोशिया बनाना है। तो पहले 3 चैन लेंगे, 1 2 3। तो देखिए, ये जो चैन लिया था हमने 3, ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया, ये दूसरा। और इसी तरीके से डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस रिंग के अंदर टोटल 14 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से तो टोटल 14 डबल क्रोशिया हमें इस रिंग के अंदर बना लेनी है। तो देखिए, इस रिंग के अंदर हमने टोटल 14 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया। अब क्या करना है हमें, ये जो धागा दिख रहा है, इस वाले धागे को हम इस तरीके से खींच लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा एक सर्कल बन जाएगा ऐसे। अब इसको क्या करेंगे, ये जो हमने 3 चैन लिया था, यहाँ पे 1 2 3, तीसरे चैन के ऊपर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे तो ये हमने स्लिप स्टिच इस तरीके से लगा लिया और ये हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो गया इस तरीके से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस धागे को हम, ये जो सेकेंड वाला है, इसमें इस तरीके से पास करेंगे स्लिप स्टिच से। ये जो सेकेंड वाला चैन है, इसमें इस तरीके से पास कर लेंगे। तो ये हमने पास कर लिया। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से 3 चैन लेना है, 1 2 3। और इसी फंदे में, जहां हमने ये चैन लिया, इसी फंदे में एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। सेकेंड राउंड में हमें क्या करना है, 14 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। हर चैन के अंदर 2 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। देखिए, तो हमारे पास ये जितने फंदे दिख रहे हैं, सारे फंदे में हम 2 2 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लेंगे सेकेंड राउंड। ये देखिए, हमने दूसरी रो कंप्लीट कर ली। सारे डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 2 डबल क्रोशिया बना लिया है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरे चैन के ऊपर 1 2 3, तीसरे चैन के ऊपर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे। और हर राउंड में हम इसी तरीके से, जब हमारा रो कंप्लीट हो जाएगा, तो हर रो का कंप्लीट होने के बाद इसी तरीके से हमें स्लिप स्टिच लगा लेना है। और धागे को पास करके यहाँ पे इस तरीके से आ जाएंगे। ये हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें इस तरीके से 3 चैन लेना है, फिर इसी फंदे में डबल क्रोशिया बनानी है। 1 डबल क्रोशिया बना लिया और फिर अगले वाले में 1 बनाना है, फिर उसके अगले वाले में हम 2 बनाएंगे। एक बार हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है और एक बार 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से बनाते हुए ये तीसरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, ये हमारा तीसरा रो कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 1 2 3, तीसरे चैन के ऊपर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से। हम स्लिप स्टिच लगा लिए और इसको स्लिप स्टिच लगाने के बाद अगले वाले चैन में इस तरीके से ऐसे फिर एक बार स्लिप स्टिच लगा के इस वाले फंदे में आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3, 3 चैन लिया हमने और यहीं इसी फंदे में एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। इसी फंदे में एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे हम, और उसके बाद इसमें एक बनाएंगे अगले वाले में, फिर एक बनाएंगे, फिर दो बनाएंगे। हमें एक एक बनाना है और फिर अगले वाले तीसरे वाले फंदे में दो बनाना है, एक एक फिर दो। तो देखिए एक बनाया, फिर अगले वाले में एक बनाया, ये दो हो गया, और तीसरे वाले फंदे में हम दो एक साथ बनाएंगे। तो इसी तरीके से बनाते हुए ये चौथी रो हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से एक बार हमें दो बनाना है, फिर दो एक एक बनाना है, फिर दो बनाना है। इसी तरीके से हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो देखिए ये हमने चौथी रो कंप्लीट कर ली। इसमें हमारा टोटल 56 डबल क्रोशिया बनेगा इसी तरीके से बनाते हुए। तो देखिए सबसे फर्स्ट वाले राउंड में हमने टोटल 14 डबल क्रोशिया बनाया, फिर सेकेंड वाली रो में हमने 28 डबल क्रोशिया बनाया, और थर्ड वाली रो में टोटल 44 डबल क्रोशिया बनाया हमने, और फोर्थ वाली रो में 56 डबल क्रोशिया है। टोटल हम काउंट करेंगे तो 56 डबल क्रोशिया बना है हमारा। अब अगला रो बनाएंगे फिफ्थ रो। तो अब क्या करेंगे, यहाँ तीसरे चैन के ऊपर, ये तीसरे चैन के ऊपर स्लिप स्टिच लगा लेंगे, और इसके आगे वाले फंदे में इस तरीके से स्लिप स्टिच लगा के आ जाएंगे। यहाँ पे धागे को पास कर लेंगे और यहाँ पे लेंगे 3 चैन, और 3 चैन लेने के बाद इसी फंदे में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो यहाँ एक फंदे के अंदर 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे 3 बार एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, और ये 3 फंदों में एक एक डबल क्रोशिया बनाया हमने, और चौथे वाले फंदे में हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। इस तरीके से एक बार 2 डबल क्रोशिया बनाया, स्टार्ट जहाँ से करेंगे वहीं से 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक फंदे में, दूसरे फंदे में और तीसरे फंदे में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चौथे वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। फिर शुरू करेंगे बनाना, पहले वाले फंदे में एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरे वाले फंदे में एक डबल क्रोशिया, तीसरे वाले फंदे में एक डबल क्रोशिया, और चौथे वाले फंदे में 2 डबल क्रोशिया एक साथ। तो इसी तरीके से बनाते हुए ये वाली रो हम कंप्लीट करेंगे। ये पांचवी रो में हम टोटल 70 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये हमने फिफ्थ रो कंप्लीट कर ली। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पे हम तीसरे चैन के ऊपर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। स्लिप स्टिच लगा लिया हमने, और स्लिप स्टिच लगा के 3 चैन बनाएंगे। स्लिप स्टिच लगा के अगले वाले फंदे पे इस तरीके से हम ऐसे स्लिप स्टिच लगाते हुए धागे को पास कर लेंगे, और यहाँ पे बनाएंगे 3 चैन। 3 चैन बना लिया हमने। 3 चैन बनाने के बाद इसे हमें पलट लेना है। ये जो हम सर्कल बना रहे हैं ये हमें 5 राउंड का ही बनाना है। ये देखिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 राउंड बनाया हमने। अब ये 3 चैन बनाने के बाद ये हम 5 राउंड का ही बनाएंगे। अब इसके बाद हम अगली डिजाइन बनाएंगे। तो अगली डिजाइन के लिए यहाँ पे हमने 3 चैन लिया। 3 चैन लेने के बाद इसे हमें पलट लेना है। ये पलट लिया हमने। पलटने के बाद यहाँ पे हम 2 चैन और लेंगे। तो यहाँ पे टोटल हमारा 5 चैन हो जाएगा। 5 चैन लेने के बाद क्या करना है, एक चैन स्किप करेंगे। ये देखिए ये जो फंदा है एक स्किप करेंगे, और दूसरे वाले फंदे पे इस तरीके से डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया स्किप किया, और दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लिया। फिर 2 चैन लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर बना लेंगे इस तरीके से। फिर 2 चैन लेके एक चैन स्किप करेंगे, दूसरे वाले चैन के ऊपर बनाना है। इसी तरीके से हमें बनाते हुए ये टोटल 32 ये डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। तो देखिए ये हमने 32 डबल क्रोशिया 2 चैन लेते हुए ये हमने कंप्लीट कर लिया। ये हमने उल्टे साइड से बनाया। ये बनाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हमारे पास ये 7 फंदे बचेंगे इस तरीके से। ये जो फंदे दिख रहे हैं ये हमारे पास 7 बचेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये टोटल 32 डबल क्रोशिया है जो हमने दो चैन लेते हुए बनाया है। अब यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से 3 चैन लेंगे, ये हमारा डबल क्रोशिया हो जाएगा। अब इसे पलट लेंगे, सीधे के साइड कर लेंगे और सीधे के साइड करने के बाद इस चैन के ऊपर जो हमने ये दो चैन लिया है इसके ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये पहला डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बना लिया हमने। और ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर अगले वाले फंदे में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है और डबल क्रोशिया के ऊपर इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाना है। और इसी तरीके से बनाते हुए ये रो हम जहाँ तक हमने ये चैन लिया है यहाँ तक बुन के कंप्लीट कर लेंगे। ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। और हम यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला हमारा चैन और ये जो हमने फर्स्ट वाला चैन लिया था इसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया बना लिया। और 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 3 तीसरे चैन के ऊपर इस तरीके से 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ भी हमारा ये इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें आगे हमें नहीं बुनना है, ये हमें इसी तरीके से छोड़ना है। और यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे, ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो देखिए 3 चैन लेने के बाद ये हमने 3 चैन ले लिया। और 3 चैन लेने के बाद हमें इसे पलट लेना है, उल्टे के साइड आ जाना है। और यहाँ पे हम लेंगे 3 चैन, 1 2 3, जो हमने 3 चैन पहले लिया था ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो जाएगा और ये हमारा चैन हो जाएगा। अब यहाँ हम ठीक इसके बगल में फंदा है, इसे हम काउंट नहीं करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे। तो देखिए 1 2 स्किप करेंगे और तीसरे चैन के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चैन लेंगे और 2 चैन लेके 1 फंदा स्किप करेंगे, दूसरे फंदे के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चैन लेंगे और 2 चैन लेने के बाद हमें चैन 2 लेते जाना है। और नीचे से एक बार हम 2 फंदा स्किप करेंगे और एक बार 1 फंदा, और इसी तरीके से बनाते हुए ये हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ हमने ये 2 फंदा स्किप किया, 1 2, और तीसरे वाले फंदे में हमने डबल क्रोशिया बना लिया। फिर 2 चैन लिया और फिर यहाँ 1 फंदा स्किप किया, फिर डबल क्रोशिया बनाया। 2 चैन लिया और फिर 2 फंदा स्किप किया, फिर तीसरे वाले फंदे में डबल क्रोशिया बनाया। तो हमें इसी तरीके से एक बार 1 फंदा स्किप करना है, एक बार 2 फंदा, और इसी तरीके से बनाते हुए ये रो हम कंप्लीट करेंगे। इस रो में टोटल 36 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम इस तरीके से। ये जो हम हैं तो हम यहाँ से गिनती करेंगे और टोटल 36 यानी कि 36 डबल क्रोशिया इस रो में हम कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने चैन्स वाली लाइन कंप्लीट कर ली, इसमें टोटल 36 डबल क्रोशिया बनाया है हमने। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 तो टोटल 36 डबल क्रोशिया है। इसमें हमने 2 चैन लेके इस तरीके से बना लिया। और हमें अब क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे ये जो हमने 36 डबल क्रोशिया बनाया है तो हमें इतना ही बनाना है यहाँ पे इस वाले राउंड में। तो ये हमारा इस वाली रो में हमें इतना ही बनाना है। इधर से हम 1 2 छोड़ेंगे और तीसरे के ऊपर यहाँ तक हम बनाएंगे। तो हमने यहाँ तक बना लिया। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें लेना है 3 चैन, ये पहला डबल क्रोशिया हो जाएगा। अब हम सीधे के साइड पलट लेंगे और पलटने के बाद जैसे हमने ये वाला पैटर्न बनाया 2 डबल क्रोशिया हर चैन के ऊपर और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, उसी तरीके से हमें ये राउंड भी कंप्लीट करना है। उसी तरीके से ये वाली रो हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए अब 2 डबल क्रोशिया हमने चैन के अंदर बना लिया और 1 डबल क्रोशिया ये डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे। फिर 2 डबल क्रोशिया हम चैन के अंदर बनाएंगे। दो डबल क्रोशिया हमने चैन के अंदर बना लिया। अब एक डबल क्रोशिया हमें इसके अंदर बनाना है, ये एक डबल क्रोशिया हमें डबल क्रोशिया के ऊपर बनाना है और इसी तरीके से बनाते हुए ये वाली रो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ से ये डबल क्रोशिया बनाते हुए ये हमने पूरी रो के ऊपर बना लिया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम इस तरीके से ऐसे ये तीसरे चैन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 और तीसरे चैन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे हम। ये बना लिया हमने। अब यहाँ पे 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और इसे हम पलट लेंगे, उल्टे के साइड आ जाएंगे और फिर यहाँ पे हम लेंगे 3 चैन। ये देखिए 1 2 3 चैन लिया हमने और 3 चैन लेने के बाद यहाँ से हमें 2 फंदे स्किप करने हैं। ये वाला फंदा जस्ट इसके नीचे का छोड़ देना है, उसके बाद से हमें काउंट करना है। तो ये 1 2 और तीसरे वाले फंदे के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। फिर 2 चैन, फिर 3 चैन लेंगे, यहाँ पे 1 2 3 चैन लेंगे और फिर यहाँ पे 2 फंदे स्किप करेंगे, 1 2 और तीसरे वाले फंदे के ऊपर इस तरीके से हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें 2 फंदे स्किप करने हैं, 1 2 और तीसरे के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है और चैन हमारा 3 3 रहेगा और 2 2 डबल क्रोशिया स्किप करना है हमें और तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हमें बनाते जाना है। तो हमें इस तरीके से 2 2 फंदों को स्किप करते हुए तीसरे वाले फंदे के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए और यहाँ तक ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। हम यहाँ तक बनाएंगे, 2 हम छोड़ेंगे, 1 2 और यहाँ तक बना लेंगे। तो टोटल 34 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे यहाँ तक। तो चलिए इसे बना के कंप्लीट करते हैं। तो देखिए ये हमारा रो कंप्लीट हो गया। हमने इस तरीके से 2 2 फंदों को स्किप करते हुए 2 2 फंदों को स्किप करते हुए और 3 3 चैन लेते हुए हमने ये पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट करा हमने, यहाँ से देखिए, यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक हमने इस तरीके से बना लिया है और ये रो हमारा कंप्लीट हो गया। हर राउंड में हमें इस तरफ से 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ते जाना है। तो देखिए ये हमने 2 डबल क्रोशिया छोड़ा है और ये डबल क्रोशिया के ऊपर हमने यहाँ तक बनाया है, फिर यहाँ 2 डबल क्रोशिया छोड़ा है और ये डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ तक बनाया है। तो इस राउंड में टोटल 34 डबल क्रोशिया है हमारा। यहाँ से अगर हम गिनती करेंगे तो यहाँ तक टोटल 34 डबल क्रोशिया है। तो अब हम आगे की डिज़ाइन बना लेते हैं। तो आगे की डिज़ाइन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम हमारा सेम तरीके से ही बनता जाएगा, सिर्फ डबल क्रोशिया हमारा आगे जाके बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे, 3 चैन लेने के बाद इसे हम सीधे के साइड आ जाएंगे। तो ये हमारा सीधा साइड हो गया और सीधे के साइड से इस चैन के अंदर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाया हमने और चौथा डबल क्रोशिया हम इसके ऊपर बनाएंगे। डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है हर राउंड में। तो ये हमने बना लिया। फिर चैन के ऊपर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है और डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए इस तरीके से हमें ये बना लेना है। देखिए 3 डबल क्रोशिया हम चैन के अंदर बनाए हैं और 3 डबल क्रोशिया हम चैन के अंदर बनाए हैं, 1 डबल क्रोशिया हम डबल क्रोशिया के ऊपर बनाए हैं। तो इसी तरीके से बनाते हुए पूरा इसे हमें यहाँ तक बना लेना है। पूरा हम यहाँ तक बना लेंगे, जहाँ से हमने चैन लेना शुरू करा था यहाँ तक हम इसे बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये रो हमने बना के कंप्लीट कर लिया, ये हमने पूरा यहाँ तक बना लिया है और ये हमारा इस तरफ से बराबर रहेगा। ये देखिए इस साइड से और इस साइड से ये हमारा 2 2 डबल क्रोशिया हम छोड़ते हुए ये बनाते जाएंगे। तो इसी तरीके से ये हमने इस तरीके से बना के ये कंप्लीट कर लिया है। अब अगला राउंड बनाते हैं। तो अगले राउंड के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे फिर लेंगे 3 चैन और 3 चैन लेने के बाद इसे पलट लेंगे और उल्टे के साइड आ जाएंगे और उल्टे के साइड से हम फिर यहाँ पे लेंगे 3 चैन। जो हमने 3 चैन लिया हुआ है ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो जाएगा और ये जो 3 चैन ले रहे हैं ये हमारा चैन होगा। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, ये देखिए ये चैन के नीचे वाला जो फंदा दिख रहा है इसे हम नहीं गिनती करेंगे, इसके बगल वाले से काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 तीन चैन स्किप करेंगे और चौथे वाले चैन में यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। फिर तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, तीन चैन लिया हमने। और तीन चैन लेने के बाद फिर यहाँ पे ये देखिए इस फंदे में डबल क्रोशिया बनाया है, यहाँ से एक दो तीन और चौथे वाले चैन के अंदर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरीके से हम बनाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें तीन तीन चैन लेते हुए और तीन तीन फंदे स्किप करते हुए हमें टोटल 32 डबल क्रोशिया कंप्लीट करना है। तो ये देखिए हमने एक दो तीन, तीन बना लिया है। इसी तरीके से टोटल 32 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। तो हम यहाँ तक बनाएंगे, ये देखिए इधर से हमें दो डबल क्रोशिया स्किप करना है। जैसे हम यहाँ से स्किप करते आ रहे थे, जैसे हम यहाँ से दो डबल क्रोशिया छोड़ते आ रहे थे, उसी तरीके से हमें दो डबल क्रोशिया यहाँ ये छोड़ना है, हमें इस डबल क्रोशिया के ऊपर तक बना लेना है। तो इसी तरीके से हम ये चैन वाला लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और सेम जैसे हमने ये वाला बनाया डबल क्रोशिया वाला लाइन, इसी तरीके से हमें चैन के ऊपर ये तीन तीन डबल क्रोशिया बना लेना है। तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये वाला राउंड हमने कंप्लीट कर लिया, ये देखिए एक दो तीन। और जैसे हमने तीसरा राउंड ये बनाया था डबल क्रोशिया से, सेम उसी तरीके से हमने ये चौथा राउंड बना लिया है। तो जैसे हमने ये तीसरा राउंड बनाया था, सेम इसी तरीके से हमने ये चौथा राउंड भी बनाया है डबल क्रोशिया वाला। जैसे इसमें हमने तीन तीन डबल क्रोशिया डाला हुआ था चैन के अंदर, उसी तरीके से इसमें भी हमने तीन तीन डबल क्रोशिया बनाया हुआ है। और इधर से इस तरफ से हमने ये दो डबल क्रोशिया छोड़ा हुआ है। तो हमने इस साइड से दो दो डबल क्रोशिया घटाते हुए बनाना है। तो ये हमारा इस तरीके से पैटर्न आएगा, ये देखिए इस तरीके से हमने ये वाइट कलर से चार लाइन बनाना है। देखिए एक दो तीन चार। अब हम यहाँ से कलर चेंज करेंगे, यहाँ से मैं रेड कलर का ऊन लगाऊंगी। तो इस धागे को अच्छी तरीके से गांठ लगा के काट लेंगे। चलिए यहाँ पे हम ये रेड कलर का ऊन जोड़ लेंगे। तो इसमें एक नॉट बना लेंगे इस तरीके से। तो ये हमने नॉट बना लिया। नॉट बनाने के बाद क्या करना है, यहीं पे हमें जोड़ लेना है। जहाँ पे हमने धागे को कट किया है वाइट वाले, यहीं पे हमें जोड़ना है फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर। तो इस तरीके से हम धागे को यहाँ पे जोड़ लेंगे। ये हमने जोड़ लिया। और जोड़ने के बाद यहाँ पे तीन चैन लेना है, एक दो तीन। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। तो ये तीन चैन लेने के बाद इसे हम उल्टे साइड कर लेंगे, इसे हम पलट लेंगे। और फिर रेड से सेम यही पैटर्न हम अप्लाई करेंगे, बस चैन हम बढ़ा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये तीन जो चैन लिए हैं, ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो जाएगा। अब यहाँ पे लेंगे चार चैन, एक दो तीन चार, चार चैन ले रहे हैं हम। और चार चैन लेने के बाद यहाँ पर हमें तीन चैन स्किप करना है। ये देखिए जस्ट नीचे वाला हम छोड़ेंगे और इसके बगल से एक दो तीन चार। हमें ये जो डबल क्रोशिया बनाया है इसके सामने वाले चैन में बुन लेना है एक डबल क्रोशिया यहाँ पे। फिर चार चैन लेना है, एक दो तीन चार, चार चैन लिया हमने। और चार चैन लेने के बाद फिर यहाँ पे ये जो डबल क्रोशिया है इसके सामने वाले चैन के ऊपर बुनना है। तो हम तीन डबल क्रोशिया, तीन चैन स्किप करेंगे, एक दो तीन। चौथे वाले के ऊपर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर चार चैन लेंगे और इसी तरीके से तीन चैन स्किप करके और चौथे वाले के ऊपर बना लेना है। और ये देखिए बिल्कुल इसके सामने वाला डबल क्रोशिया आएगा, एक दो तीन चार। ऐसे ही ये चैन बनाते हुए हम इस तरफ तक आ जाएंगे, इस साइड तक, यहाँ तक। और इधर से हम ये दो डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे डबल क्रोशिया तक बनाएंगे। जैसे हम हर राउंड में छोड़ रहे हैं, इसी तरीके से हमें इधर से ये दो छोड़ना है और यहीं तक हमें बनाना है। तो इस राउंड में रेड कलर से हम टोटल 30 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि 30 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने चैन्स पूरी रो के ऊपर कंप्लीट कर ली। इस तरीके से हमें बना लेना है। तो ये हमारा बन गया। अब क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए हमने दो डबल क्रोशिया छोड़ा है इधर से और तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ तक हमने बना लिया है। अब यहाँ पे लेंगे तीन चैन, एक दो तीन। ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो जाएगा और इसे हम सीधे के साइड पलट लेंगे। ये हमारा सीधा साइड है और इस साइड से हम इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे इस चेन के अंदर टोटल 4 डबल क्रोशिया हमें बना लेना है, 1 2 3 और ये 4। तो टोटल 4 डबल क्रोशिया हम चेन के अंदर बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया हम डबल क्रोशिया के ऊपर बना लेंगे। इस तरीके से फिर 4 डबल क्रोशिया हम चैन के अंदर बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। तो 4 डबल क्रोशिया बना लिया हमने। 1 डबल क्रोशिया हम डबल क्रोशिया के ऊपर बना लेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से। तो इसी तरीके से हमें बनाते हुए ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। जहाँ तक हमने ये चैन बनाया हुआ है यहाँ तक हमें बना के कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रेड कलर से ये हमने रो बना के कंप्लीट कर ली। हमने इस साइड से ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ा हुआ है और ये तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर, ये तीसरे डबल क्रोशिया तक हमने बनाया हुआ है। तो इसी तरीके से हमें बना लेना है। अब ये देखिए यहाँ तक हमने ये बना लिया और बनाने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए ये तीसरे चैन के ऊपर भी हमने 1 डबल क्रोशिया बना लिया है, ये वाला। अब यहाँ पे लेंगे 3 चैन, 1 2 3। 3 चैन लिया हमने। ये 3 चैन हमारा डबल क्रोशिया हो जाएगा। अब हम इसे पलट लेंगे और उल्टे के साइड से चैन वाला पैटर्न बनाएंगे, जो हम हर राउंड में ये बनाते आ रहे हैं चैन वाला पैटर्न। तो ये चैन वाला पैटर्न बना लेंगे अब हम। तो अब क्या करेंगे, ये 3 चैन हमारा डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे हमें लेना है 5 चैन, तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे टोटल हमने 8 चैन लिया हुआ है, 8 चैन लिया हमने टोटल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो डबल क्रोशिया के ऊपर वाला जो ये है फंदा, ये डबल क्रोशिया के ऊपर जो फंदा है एकदम इसके ठीक, ये डबल क्रोशिया के ऊपर जो फंदा दिख रहा है ठीक इसी में हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम लेंगे 5 चैन, 1 2 3 4 5। 5 चैन लिया हमने और 5 चैन लेने के बाद 1 2 3 4 5। 5 चैन लेने के बाद फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पे ठीक इसके सामने 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें इसी तरीके से ये 5 चैन लेते हुए डबल क्रोशिया के ऊपर वाले फंदे में इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ये देखिए यहाँ पे एकदम ठीक सामने, और यहाँ पे हम 5 चैन लेते जाएंगे। तो इसी तरीके से बनाते हुए पूरा हम इधर तक आ जाएंगे, यहाँ तक, और इधर से हम 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे। देखिए ये 1 2 यहाँ तक हम इसके ऊपर तक बना लेंगे। तो इस राउंड में हम टोटल 28 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चैन्स वाली रो हमारी कंप्लीट हो गई। हमने इस तरीके से पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली है। ये देखिए इस तरीके से बनाते हुए, और ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ पे लेंगे 3 चैन, 1 2 3 और इसे सीधी तरफ कर लेंगे, पलट लेंगे हम। और सीधे के साइड से हमें डबल क्रोशिया बनाना है, उल्टे के साइड से हमें चैन बनाना है। तो हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स, सीधे के साइड से हमें डबल क्रोशिया बनाना है और उल्टे के साइड से हमें ये चैन वाला डिजाइन बनाना है। तो इस चैन के अंदर टोटल 5 डबल क्रोशिया हमें बनाना है। हमने 5 चैन लिया हुआ है इसके अंदर, और इस चैन के अंदर हमें टोटल 5 डबल क्रोशिया भी बना लेना है। तो ये देखिए 4 डबल क्रोशिया हो गया और ये 5वां डबल क्रोशिया। तो टोटल 5 डबल क्रोशिया एक चैन के अंदर बनाना है, 1 2 3 4 5। अब ये जो डबल क्रोशिया है इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरीके से। अब क्या करना है, हमें इस चैन के अंदर 5 डबल क्रोशिया बना लेना है फिर से, 1 2 3 4 और ये 5। तो टोटल 5 डबल क्रोशिया हमें एक चैन के अंदर बनाना है, और फिर यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बना लेना है इस डबल क्रोशिया के ऊपर। हर डबल क्रोशिया के ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, और इस तरीके से हम 5 डबल क्रोशिया चैन के अंदर बना लेंगे। और इसी तरीके से बनाते हुए ये हम पूरी जितने हमने चैन्स बनाए हुए हैं सारे चैन्स के ऊपर हमें ये वाला पैटर्न बना लेना है, ये डबल क्रोशिया वाला सारे चैन्स के अंदर बना लेंगे। और फिर एक राउंड और बनाएंगे रेड कलर से, ये सेम पैटर्न सेम इसी तरीके से जैसे हम ये वाला राउंड बना रहे हैं इसी तरीके से हम सेम अगला राउंड भी बना लेंगे। 5-5 चैन रहेगा हमारा और उसके अंदर 5-5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इधर से हम जैसे ये 2-2 कम करते आ रहे हैं इस साइड से, तो जैसे हम इधर से 2-2 कम करते आ रहे हैं तो इस साइड से भी हम 2 कम कर लेंगे और एक साइड से हमारा ये बराबर ही रहेगा पूरा। तो चलिए अगली राउंड भी हम सेम इसी तरीके से बना लेंगे, 5 चैन लेंगे और 5 डबल क्रोशिया उसके अंदर भी बना लेंगे। तो हमें रेड कलर से टोटल 3 लाइन बनाना है, जैसे हमने एक लाइन रेड कलर से बनाया और ये दूसरा बना रहे हैं, फिर तीसरा लाइन सेम दूसरे लाइन की तरह हम अगला लाइन भी बना लेंगे। और इधर से हमारा ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के और अगला लाइन बना लेंगे जैसे हम ये छोड़ते आ रहे हैं। तो चलिए ये वाला लाइन हम कंप्लीट करके अगली लाइन भी हम सेम तरीके से बना के और ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे की डिज़ाइन बताएंगे कैसे बनाएंगे। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रेड कलर से हमने सेम तरीके से जैसे हमने ये वाला लाइन बनाया है सेम तरीके से हमने अगला लाइन भी बना लिया। और इधर से ये जैसे हम 2 डबल क्रोशिया छोड़ते आ रहे हैं तो इसी तरीके से हम छोड़ते हुए इस लाइन को भी कंप्लीट कर लिए हैं। और ये हमारा कुछ इस तरीके का डिजाइन आएगा। देखिए ये इधर से ये घटते जाएगा और इस साइड से हमारा ये बराबर रहेगा और इसी तरीके से हमें बना लेना है। तो ये बनाने के बाद क्या करना है, हम रेड कलर से ये 3 ही लाइन बनाएंगे। अब यहाँ से ये रेड कलर का ऊन हम कट कर लेंगे गांठ लगा के। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ये जो डबल क्रोशिया हमने बनाया है तो ये डबल क्रोशिया के ऊपर ये डबल क्रोशिया बनते गया है। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा बिल्कुल सीधा ये बनता जाएगा डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। और सिर्फ हमें चैन बढ़ाना है और चैन बढ़ा के फिर ये डबल क्रोशिया बढ़ानी है और इसमें बुन लेना है। तो देखिए ये हम चैन बढ़ाते हुए और डबल क्रोशिया बढ़ाते हुए हमने इतना बुन लिया है। तो हमने ये वाइट कलर से 4 लाइन बनाया है। ये देखिए 1 2 3 4, रेड कलर से हम 3 लाइन बना रहे हैं 1 2 3। अब फिर हम वाइट कलर रिपीट करेंगे और वाइट जैसे हमने ये 4 लाइन बनाया है सेम इसी तरीके से हम 4 लाइन और बना लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम वाइट कलर का ऊन जोड़ लेते हैं। तो ये हमने जोड़ लिया यहाँ पे, देखिए इस तरीके से। अब जोड़ने के बाद क्या करना है, यहाँ पे लेंगे 3 चैन 1 2 3। ये हमारा सीधा साइड था तो यहाँ से हमने 3 चैन ले लिया। अब इसे पलट लेंगे और ये जो चैन वाला पैटर्न हम बना रहे हैं ये पैटर्न हम बनाएंगे। तो यहाँ पे ये 3 जो चैन लिए हैं ये हमारा डबल क्रोशिया माना जाएगा। और यहाँ पे हम लेंगे 6 चैन के लिए 1 2 3 4 5 6। तो टोटल यहाँ पे इसको मिला के टोटल 9 चैन हमने यहाँ पे लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, सेम उसी तरीके से ये जो डबल क्रोशिया के ऊपर वाला फंदा है ये वाला, तो यहाँ पे हम इसी के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर वाले फंदे में हमें सेम उसी के सामने हमें ये डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 6 चैन लेना है 1 2 3 4 5 6 चैन लिया हमने। 6 चैन लेने के बाद फिर उसी तरीके से हमें ये डबल क्रोशिया के ठीक सामने वाले फंदे में यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेना है। तो देखिए हमें इसी तरीके से 6 चैन लेके डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से ठीक इसी के ये जो डबल क्रोशिया है ठीक इसी के सामने वाले फंदे में हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और इसी तरीके से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक हम बना लेंगे और इधर से ये 2 डबल क्रोशिया हम छोड़ेंगे और ये तीसरे डबल क्रोशिया तक बना लेंगे। तो चलिए बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 6 चैन लेते हुए ये राउंड कंप्लीट कर लिया है इस तरीके से। और इधर से हमने ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ा हुआ है और इस डबल क्रोशिया तक बना लिया है तीसरे डबल क्रोशिया तक। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम इस तरीके से 3 चैन लेंगे और 3 चैन लेके सीधे के साइड आ जाएंगे। यहाँ पे हम इस चैन के अंदर जो हमने चैन लिया हुआ है इस चैन के अंदर टोटल 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए 1 डबल क्रोशिया, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 हो गया, 5 6 तो टोटल हमने इसके अंदर 6 डबल क्रोशिया बना लिया। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 डबल क्रोशिया हो गया। 6 डबल क्रोशिया होने के बाद क्या करना है, ये डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बना लेनी है। फिर जो ये चैन है, इस चैन के अंदर फिर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 3 4 5 और ये 6। तो चैन के अंदर हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है। 6 चैन के अंदर ये जो हमने चैन लिया है, इसके अंदर हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से बनाते हुए ये रो हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें ये बना लेना है, इस तरीके से। ये देखिए, तो इसमें हम 6 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे और सेम इसी तरीके से एक लाइन और बना लेंगे। हम ये पहले चैन बनाएंगे, फिर ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 2 राउंड हमने बना के कंप्लीट कर लिया। जैसे हमने ये व्हाइट वाले से लाइन बनाया था, सेम इतना ही चैन और इतना ही डबल क्रोशिया हमने इस लाइन में बनाया है सेम तरीके से। और हम इसमें 2 लाइन व्हाइट से बनाएंगे। तो अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 चैन ले लिए। 3 चैन लेने के बाद इसे हम उल्टे साइड कर लेंगे और उल्टे साइड करने के बाद यहाँ पे हम लेंगे 7 चैन। ये 3 चैन हमारा डबल क्रोशिया हो जाएगा और 7 चैन हम लेंगे इस लाइन के लिए। ये देखिए 3 4 5 6 7, टोटल यहाँ पे हमने 10 चैन ले लिया। अब क्या करेंगे, ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है, ठीक इसी के सामने वाले फंदे पर हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर 7 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चैन लेना है हमें और डबल क्रोशिया के ऊपर वाले फंदे पे बना लेना है, ठीक इसी के सामने। देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें 7 चैन लेते हुए डबल क्रोशिया के ऊपर ये डबल क्रोशिया ऐसे बनाना है, ठीक सामने। और इसी तरीके से एक लाइन और बनाएंगे और इसके अंदर हम ये जो हम चैन ले रहे हैं, इस चैन के अंदर हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे और सेम इसी तरीके से एक लाइन और बना लेंगे। तो टोटल 2 लाइन हम 7 चैन और 7 डबल क्रोशिया के साथ बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला पैटर्न हमने बना के तैयार कर लिया। हमने सेम तरीके से इसे बना लिया है। जैसे हमने ये वाला लाइन बनाया था 6 वाला, वैसे ही हमने ये वाला बना लिया। और जैसे हमने यहाँ पे हमने 7 चैन लेके 7 डबल क्रोशिया इसके अंदर बनाया था, सेम तरीके से हमने ये लास्ट वाली लाइन भी बना ली। और हमें इतना ही लाइन बनाना है। हमने यहाँ पे 4 व्हाइट कलर से बनाया है, 3 रेड कलर से बनाया है, फिर 4 व्हाइट कलर से बनाया है। तो टोटल हमने 11 लाइन का बनाया है ये। और बीच में हमारा ये एक सर्कल है। तो कुछ इस तरीके से हमें ये पैटर्न बना के तैयार कर लेना है। तो हमने ये तैयार कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके का ये हमारा डिजाइन बन के तैयार होगा। और ये हमने एक इस तरीके से तैयार कर लिया है। और इस तरीके से ये देखिए, इधर से ये हमारा ये घटते गया है इस तरीके से, और इस तरफ से हमारा ये बराबर रहेगा। इधर से हम बराबर रखेंगे और एक साइड से हम ये हर लाइन में हम घटाते हुए, और इसे हमने ये कंप्लीट किया है। और कुछ इस तरीके का ये दिख रहा है। सेम इसी तरीके से एक पैटर्न और तैयार कर लेंगे, उसे हम यहाँ जोड़ेंगे, तब ये हमारा एस के शेप में ये बन जाएगा। और एस शेप का ये हमारा सेंटर पीस बन के तैयार होगा, जो बहुत ही प्यारा बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एक पैटर्न और ये सेम तरीके से हम बना लेते हैं। तो हमने ये पहले से ही एक और पैटर्न तैयार किया हुआ है इसका। सेम इसी तरीके से हमें 2 पैटर्न तैयार करना है और दोनों को एक साथ जोड़ के हम बनाएंगे। तो ये हमने तैयार कर लिया है। अब चलिए हम इसको जोड़ के दिखाते हैं कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरीके से रख लेना है। यहाँ पे जो हमने घटाया हुआ है, तो वो वाला जो सिरा है हम एक साइड रखेंगे। ये हमारा उल्टा साइड है, तो हम उल्टे के साइड से जोड़ेंगे। और एक का घटाने वाला सिरा हम इस तरफ रखेंगे, इस तरफ, और एक का इस तरफ। तो इस तरीके से हमें रख के यहाँ पे इसे स्टिच करना है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से सिलेंगे सुई धागे की मदद से। तो ये देखिए, यहाँ रख लेंगे और एक यहाँ, और यहाँ से यहाँ तक हमें सिलना है। ये देखिए, एक हमारा सर्कल ये इधर है, एक सर्कल इधर है, और उल्टे के साइड से हमें जोड़ना है। तो हम इस तरीके से रख के और इस तरीके से एकदम मिला के हमें जोड़ना है। ये देखिए, बिल्कुल ये सामने सामने हमें सिलाई करना है। बिल्कुल अच्छे तरीके से हम इसे सिल लेंगे। तो फ्रेंड्स इसे हम ऐसे ही रख के और बिल्कुल ये वाली जो लाइन दिख रही है ये दोनों लाइन हमारी मिलती हुई रहनी चाहिए। ये इस तरीके से जैसे लगे कि हमने एक साथ ही बुना है वैसे हमें अच्छी तरीके से इसे सुई धागे की मदद से सिलाई करना है। तो जहाँ पे हमने ये वाइट कलर का ऊन से बुनाई किया है, जहाँ पे हमने ये वाइट कलर के ऊन से बुना है वहाँ पे हम वाइट कलर के ऊन से सिलाई करेंगे, और जहाँ पे हमने ये रेड कलर के ऊन से बुना है यहाँ पे हम रेड कलर के ऊन से सिलाई करेंगे, फिर यहाँ पे हम वाइट कलर के ऊन से सिलाई करेंगे। इससे इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो फ्रेंड्स आप अच्छी तरीके से इसे सिल लें। ये देखिए यहाँ जैसे हमने ये डबल क्रोशिया बनाया है तो यहीं से हमें मिला के इस तरीके से सिलना शुरू करना है, यहीं से और यहाँ तक हमें सिल लेना है। तो ये हम पूरा सिलाई कर लेते हैं, फिर आगे की डिजाइन बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने सुई धागे की मदद से इस तरीके से स्टिच कर लिया। ये हमारा सीधा साइड है, ये देखिए इस तरीके से हमने पूरा स्टिच कर लिया है एकदम मिला के। इस तरीके से बिल्कुल सामने सामने रख के हमें स्टिच करना है। तो इस तरीके से हमने ये स्टिच कर लिया है, और ये हमारा उल्टा साइड है। ये देखिए इधर से भी समझ नहीं आ रहा है किधर से हमने स्टिच करा है। तो ऐसे ही हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से इसे स्टिच कर लेना है। तो ये हमने स्टिच कर लिया है और ये हमारा इस तरीके से तैयार हो चुका है। अब क्या करेंगे हम, तो ये जो हमने सेंटर पीस बनाया है इसकी अब लास्ट की किनारी बनाएंगे। तो लास्ट की किनारी बनाने के लिए मैं रेड कलर का ऊन का इस्तेमाल करूँगी और यहाँ से बनाना शुरू करेंगे और पूरे सेंटर पीस के ऊपर हम किनारी बना लेंगे। तो चलिए अब हम किनारी बना लेते हैं। किनारी बनाने के लिए मैं ये रेड कलर का ऊन ले रही हूँ। रेड कलर के ऊन में एक नॉट बना लेंगे। तो ये हमने इस तरीके से नॉट बना लिया। नॉट बनाने के बाद क्या करना है हमें, ये जो हमने सर्कल बनाया हुआ था तो इधर जो हमने ये 7 चैन छोड़ा हुआ था तो इसी पे हमें इस तरीके से ज्वाइंट करना है। तो यहाँ जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाया है तो डबल क्रोशिया के ऊपर नहीं जोड़ना है, इसके बगल वाले चैन में यहाँ पे धागे को जोड़ना है इस तरीके से, और इस धागे को इसी के साथ बुन लेंगे जिससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये धागे को जोड़ लिया हमने। अब इसी फंदे में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर अगले वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और यहाँ तक हम एक सिंगल क्रोशिया से ही हम ये किनारी बना रहे हैं। तो एक एक सिंगल क्रोशिया हर चैन के अंदर हमें बनाते जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 सिंगल क्रोशिया बना लिया हमने। अब क्या करना है, जहाँ पे ये एक डबल क्रोशिया बनाया है तो इसके वाले फंदे से एक सिंगल क्रोशिया का फंदा निकालेंगे, और फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसके अंदर से एक फंदा निकालेंगे और तीनों फंदों को एक साथ बंद कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। और फिर एक और सिंगल क्रोशिया इसी डबल क्रोशिया के अंदर बना लेंगे। फिर एक इस डबल क्रोशिया, ये जो चैन है एक इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 सिंगल क्रोशिया हम इस डबल क्रोशिया के अंदर बनाएंगे, 1 2, और एक सिंगल क्रोशिया हम यहाँ पे चैन के ऊपर बना लेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पे लेंगे 4 चैन, 1 2 3 4। 4 चैन लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला फंदा उठाएंगे और इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये हमने बना लिया। अब क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये जितने चैन हैं सारे चैन में हमें इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ये पूरे सेंटर पीस के ऊपर हम इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे, और ये जितने ये कॉर्नर है हमारे ये वाला तो यहाँ पे हम इस तरीके से 4 चैन लेके ये वाला डिजाइन बना लेंगे, और इसी तरीके से हमें बनाना है। तो ये हमें सिंगल क्रोशिया से ही पूरे सेंटर पीस के ऊपर ये किनारी बनानी है। अब ये बना लेंगे तो उसके बाद ये डबल क्रोशिया के नीचे से एक बार सिंगल क्रोशिया के लिए फंदा निकालेंगे और एक बार इस डबल क्रोशिया के अंदर से निकालेंगे। तो ये 3 फंदे हो जाएंगे हमारे पास। तीनों फंदों को एक साथ बंद कर लेंगे। तो इस तरीके से हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, और उसके बाद इस चैन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पे लेंगे 4 चैन, और 4 चैन लेने के बाद सबसे नीचे वाला फंदा उठाएंगे सिंगल क्रोशिया का, और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया करके बंद कर देंगे। तो यहाँ पे ये डिजाइन बन जाएगा। फिर बाकी बचे चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। पूरे सेंटर पीस के ऊपर इसी तरीके से हमें बनाते जाना है और ये हमारा सेंटर पीस बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसे रेडी कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी किनारी हमने बना के कंप्लीट कर ली। ये इस तरीके से हमने पूरा सिंगल क्रोशिया, ये इस तरीके से इस तरफ से हमने बनाते हुए यहाँ से हमने शुरू करा था और यहाँ से इस तरीके से बनाते हुए हमने ये चारों तरफ इस तरीके से, ये देखिए सिंगल क्रोशिया हमने बनाते हुए ये पूरा इस तरफ से ऐसे बनाते हुए पूरा हमने ये सिंगल क्रोशिया पूरे सेंटर पीस के ऊपर इस तरीके से बना लिया है यहाँ तक, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। कुछ इस तरीके की इसकी डिजाइन आई है फ्रेंड्स। ये बहुत ही प्यारा शेप का आया है, ये देखिए ये एस शेप का बना है, ये देखिए बहुत ही प्यारा है और देखने में बहुत ही सुंदर और यूनिक है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसके बीच में हम यहाँ पे और यहाँ पे एक एक फ्लावर लगाएंगे। तो फ्लावर आप अपने पसंद की फ्लावर बना के लगा सकते हैं। तो मैंने इस तरीके का फ्लावर बनाया हुआ है और एक हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे बिल्कुल सेंटर में। ये देखिए ये जो हमारा सर्कल बना हुआ है, इसी में बीच में एक यहाँ रख के स्टिच कर लेंगे। ऐसे पहले ये वाला पार्ट स्टिच कर लेंगे, यहाँ पे एक स्टिच कर लेंगे और एक हम इस पे स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। तो हम इसमें इस तरीके से दो फ्लावर स्टिच कर लेंगे। आप अपनी पसंद का फ्लावर स्टिच कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं इसमें फ्लावर या स्टिच कर लेती हूँ सुई धागे की मदद से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें ये फ्लावर स्टिच कर लिया है इस तरीके से बना के, और ये देखिए कितना प्यारा कितना सुंदर लग रहा है और बनाना भी बहुत आसान है। देखिए ये बहुत ही सुंदर बनके तैयार हुआ है। आप इसे सेंटर पीस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही प्यारा लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने वीडियो में जैसे बताया है आप उसी तरीके से बनाइएगा तो आपका भी शेप बिल्कुल परफेक्ट आएगा। आप इस तरीके से आप इजीली बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये सेंटर पीस का डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही डिजाइन्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डिजाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।